मुझे तो केवल ईश्वर से काम है। सर्प कुंड से सर्प निकल करके सब नगर में प्रवेश कर गए और एक बड़ा सर्प था, उसने जाकर के ऐलान को डस लिया। पहला जैसे गया नगर से आदमी नारी पुरुष भाग रहे थे, मंत्री भागते हुए मिला। प्रहलाद ने कहा क्या हुआ? सरप 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 नगर में सरप। सब कहने लगे हे पुत्र, नगर में न जाने सरप कुंड के द्वार किसने खोल दिए, पूरे सरप नगर में प्रवेश कर गए। मंत्री ने कहा कि प्रहलाद को सरप ने डस लिया। प्रहलाद दौड़ करके गया। प्रहलाद रोने लगा, भ्राता श्री मैं पहले पहले आया हूं, आपसे मिला, अभी बात नहीं करी और तब तक आप की ये हालत। प्रहलाद मरने को, प्रहलाद ने कहा हे अनुज, इसमें तेरा कोई दोष नहीं, मैंने तुझे सर्प कुंड में मरवाने के लिए भेजा, परंतु सर्प ने आकर के मुझे ही डस लिया। जैसा काम करता है वैसा ही फल भुगतता है इंसान। मैंने तुझे मारना चाहा और आज देखो मैं मर रहा। तुझ पर भगवान विष्णु की कृपा है, तुझे तो बचा लिया, पर मेरे कर्मों से मैं ही मर रहा। प्रहलाद ने कहा नहीं, आप नहीं मरोगे। मंत्री वहां से चला गया, होलिका के पास आता है। होलिका यहाँ बहुत प्रसन्न होती है कि जरूर प्रहलाद की मृत्यु को समाचार लेकर के आया हूं। मंत्री सिर नवा करके खड़ा हो गया। होलिका ने कहा बोल क्या बात है? मंत्री ने कहा समाचार अच्छा नहीं है। होलिका ने कहा अच्छा वो तो सुना। मंत्री ने कहा सर्प ने प्रहलाद को डस लिया। होलिका ने कहा दुष्ट, मेरे पुत्र का नाम लेता है, प्रहलाद का नाम ले, प्रहलाद का। मंत्री ने कहा प्रहलाद नहीं अहलाद, प्रहलाद तो सुरक्षित है, सर्प कुंड में जाकर के भी सुरक्षित है। उसमें से सारे सर्प निकल करके नगर में प्रवेश कर गए और प्रहलाद को डस लिया। तब तो होलिका रोने लगी, प्रहलाद को बुरा भला कहने लगी, प्रहलाद मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तूने मेरे पुत्र को मरवा दिया, तुझे मरना चाहिए था, तूने मेरे पुत्र को मरवा दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उधर प्रहलाद ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं अपने भ्राता श्री के पास आया था और क्या मैं इस अंतिम समय के लिए आया था, मैं उनकी मृत्यु बन करके आया था, ये कलंक तो मुझे ही लगेगा। प्रभु भगवान से प्रार्थना की और प्रहलाद को जिंदा करवा दिया और प्रहलाद और अहलाद दोनों वहां से आए कि चलो ये समाचार माताजी को मिल गया होगा। तो माताजी बहुत, पिताजी बहुत चिंतित होंगे। दोनों शीघ्रता से रथ में बैठ करके आए। जैसे ही देखा प्रहलाद को, तू जिंदा है? हाँ माँ मैं जिंदा हूं, लेकिन प्रहलाद की कृपा से, प्रहलाद के ईश्वर ने हमें बचा लिया, मुझे बचा लिया, नहीं तो तुम्हारे कर्तव्य में मेरे कर्तव्य में तो कोई कमी नहीं थी। जो जैसा आदमी होता है वो वैसा ही काम करता है। भला आदमी अपनी भलाई को नहीं छोड़ेगा और बुरा आदमी अपनी बुराई को नहीं छोड़ेगा। कहा गया है चाहे ने बोरी को कंधा में रखे चाहे करो ने तो दूध से चाई भूखा के खेत में जाए लगाव शक्कर खोद के खूब डराई।
महिष दाढ़ी में के रस सींचऊ तो नहीं आवत नाम मिठाई ऊंच की संगति नीच कर खल नाई तय अपनी खलताई ऊंच की संगति नीच कर खल नाई तय अपनी खलताई निगोई को चाहे चाहे निगोरी को कंध में राखो फल में इसे लगा दो चाय करो ने तो दूध से चाय चाय बाप दूध रोज की दूध डारो ईका के खेता में जाई लगाओ चाय भाई गन्ना के जर में लगा दो शक्कर खोदी के खूब डराई चाय भाई शक्कर की ढेरी में गाड़ दो और जोने सा दाढ़े मा के रस सींचऊ तो नहीं आवत नाम मिटाई चाय भाई रसन की रसन थे भाई बहुत सींचो पर बा में नाम की हो मिठाई ना आए सकत निभोई में ऐसे नहीं नीच आदमी चाहे कैसी हो संगत कर ले ऊंचा की संगति नीच कर खल नाई तजय अपनी खलताई अपनी को नहीं छोड़ सकता स्वभाव से बेचारे बंधे हुए वो अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते अपने स्वभाव से छोड़ नहीं सकते चाहे कुछ भी हो जाए कलव करे भल पाए सुसंगु मेटे न मलिन स्वभाव अब दुष्ट आदमी अच्छी संगत पाकर के अच्छा काम कर सकता है बोले उसका स्वभाव नहीं मिटता कुछ समय के बाद में फिर वो बहकी बही आ जाओ अपने ही काम करे प्रहलाद ने कहा माता जी मैं प्रहलाद की कृपा से जिंदा हूं इसने मुझे जिंदा करवाया परंतु होलिका ने कहा प्रहलाद मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ू उसके पुत्र को भी बचा दिया अच्छा काम किया भला किया वो बुरा कर रहे हैं बुरे के परिणाम में वो भला कर रहे हैं तब भी वो बुरा करने की सोचते हैं इनके यहां ऐसा नहीं होता एहसान मानने वाला दुनिया में हर व्यक्ति नहीं होता जिसके साथ में एहसान करेंगे ना वही तुम्हें काटने की कोशिश करेगा जो सज्जन आदमी होगा बाकी अंदर संस्कार होंगे अच्छे खानदान का होगा वो एहसान को मानेगा भैया इसने एक एहसान किया सदा उसका गुणगान करेगा दुनिया में एहसान चाहो मती किसी का पैसा लग जाए मजदूरी दे दो एहसान एक पैसे का बहुत बड़ा होता है होलिका ने कहा पुत्र तुम्हें पता है कि मुझे अग्निदेव का वरदान है मुझे अग्नि जलाती नहीं क्या देखोगे प्रहलाद ने कहा हाँ देखूंगा अग्नि का ढेर लगवाया उस पर होलिका बैठ गई प्रहलाद को गोद में बैठा लिया कयादु रोने लगी हे पुत्र तू इनकी बातों में क्यों आता है बार बार मारने का प्रयास किया तुम्हें इनकी नियति का पता नहीं है प्रहलाद ने कहा मां भगवान पर भरोसा रख इनकी नीति खराब है अपनी नियति तो सही है अगर अपनी नियति सही है तो भगवान अपना रक्षक है फिर ये कुछ नहीं कर सकते आग लगवा दी भगवान का ध्यान किया हरे राम 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 हरे हरे
मैंने